नमस्कार, मैं अंकित आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं सरप्राइज़ ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पे, जिसमें आज आप लोग टारगेट 2021 की लॉकडाउन सीरीज 4 में आज आप लोग देखेंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में। स्ट्रेट लाइन जिसका मतलब हिंदी में क्या होता है, एक सरल रेखा होती है। ठीक, सरल रेखा जैसे हम इसके मानक रूप की बात करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। अगर हम एग्ज़ाम्पल की बातें करते हैं तो एग्ज़ाम्पल इसका क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस सिक्स वाई बराबर एक। ये क्या है, एक सरल रेखा का समीकरण होता है, क्लियर। लेकिन अगर हम किसी भी रेखा की बात करते हैं, किसी भी लाइन की बात करते हैं, तो दो बातें हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी है। एक तो उसका आर्बिटरी पॉइंट जो एक्स वाई, आप मानक समीकरण में देखेंगे यहाँ पे एक एक्स है और एक वाई है, तो मानक समीकरण में जो आपके पास एक्स और वाई है ये क्या है, मेरी आर्बिटरी पॉइंट होती है। और दूसरी चीज़ हमें जानना है ढाल, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्लोप। स्लोप कहते हैं, ग्रेटिट्यूड एम्पलीट्यूड कई नामों से जाना जाता है। देखिए, इसको निर्देशित करने के लिए, इसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोग यम का यूज करते हैं और एक कई तरीकों से निकाल सकते हैं। जैसे पहला आपके पास है कि एम बराबर आप टेन थीटा, या डी वाई बाई डी एक्स का यूज कर सकते हैं, या वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन का यूज कर सकते हैं, या सबसे अच्छा जो फॉर्मूला यही होता है मानक समीकरण से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि एम बराबर माइनस ए अपॉन बी। चलिए जानते हैं आखिर स्लोप, या हम जिसको ढाल कह रहे हैं, आखिर है क्या ये। देखिए, ये आपके सामने एक्स वाई का कार्तीय तल है जिसमें एक सीधी सी रेखा है एल, एक लाइन है। इस लाइन का मानक समीकरण कितना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो है। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि आखिर ये ढाल क्या है। तो ढाल की देखिए परिभाषा क्या होती है, कहते हैं कि जो धनात्मक यक्ष अक्ष है, धनात्मक यक्ष के अक्ष क्या होता है, जैसे ए आपके पास धनात्मक यक्ष अक्ष है और इधर वाला क्या होता है, ऋणात्मक एक्स अक्ष होता है। तो कहते क्या हैं कि धनात्मक यक्ष अक्ष से बनाए गए कोण थीटा, क्या कि धनात्मक एक्स अक्ष से बनाए गए कोण जो थीटा है, इसका अगर हम टैन थीटा निकालें, क्या निकालें, टैन थीटा, यही यम के बराबर होती है। तो हम यहाँ से परिभाषित भी कर सकते हैं अच्छे से ढाल को, कि किसी भी रेखा के द्वारा एक्स अक्ष से, धनात्मक एक्स अक्ष से बनाए गए जो थीटा है, उसका टैन थीटा ही क्या होता है, स्लोप होती है। चलिए इसके रूप के बारे में आइए हम देखते हैं। तो एक फॉर्म में बताने वाला हूँ आपको, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, किसी भी रेखा का ढाल अंतःखंड रूप क्या होता है। जैसे कोई भी समीकरण अगर इस तरीके से लिखा है कि वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, जहाँ पर एम क्या होती है, स्लोप, जिसको ढाल कहते हैं, सी क्या है, इंटरसेप्ट होती है, इंटरसेप्ट का मतलब अंतःखंड। तो आप इसको लाइन में भी देख सकते हैं, ये जो थीटा है यहाँ से आप स्लोप निकाल लेंगे और ये सी आपको दिख रहा है यहाँ पे, इससे हम लोग इंटरसेप्ट या अंतःखंड की बात करते हैं। तो चलिए इसके कुछ मानक रूपों पर बात करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इसके कुछ स्पेशल केस पे आते हैं। स्पेशल केस कहने का मतलब है कि जब मेरा सी बराबर जीरो हो जाए, सी जीरो हो जाए तो इसका मतलब क्या है। तो कहते क्या है कि इट विल पास थ्रू द ओरिजिन, अगर सी जीरो हो गया, सी जीरो हुआ तो इसका मतलब है कि लाइन मेरी कहाँ से पास करेगी, ओरिजिन से, मूल बिंदु से होकर के पास करेगी। ठीक है, तो यहाँ से दो फॉर्म निकल के आएगा। तो मेरा समीकरण जो यहाँ पे आपने देखा था कि वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, अगर सी जीरो हो गया तो बचा क्या, वाई बराबर एम एक्स। तो यहाँ पे आते हैं, ये वाई बराबर एम एक्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, y बराबर एम एक्स, एम क्या है, स्लोप है। तो यहाँ से दो बेसिक इक्वेशन लाइन के निकल करके आते हैं। या फिर देखिए यहाँ पे कि m जो है आपका, m का मान एक हो सकता है, एक हो सकता है या माइनस एक हो सकता है। तो एक होने का मतलब क्या है, कहते क्या है, m क्या है, tan थीटा है, tan थीटा बराबर अगर एक, तो आप सभी को अच्छे से पता है अगर tan थीटा बराबर एक है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 45 होने का मतलब है कि एक्स वाई अक्ष से जो रेखा है वो कितने डिग्री का कोण बना रही है, 45। ये जो लाइन का इक्वेशन कैसे होगा, कुछ इस तरीके से पास करेगी 45 डिग्री का कोण बना करके।
ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि थीटा बराबर कितना हो गया 45। तो इस तरीके से हम लोग लाइन बनाएंगे। अगर यहीं पे अगर जो अगला रूप था हमारा कि m बराबर अगर -1 हो जाए तो m की वैल्यू कितनी होती है, tan थीटा, तो tan थीटा भी कितना हो गया -1 के। तो -1 का मतलब क्या, तो यहाँ से थीटा निकलेगा कितना 135, 135 डिग्री का। अगर हम इसको लाइन में रिप्रेजेंट करें तो रेखा कुछ इस तरीके से पास करेगी। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है ये वाली कंडीशन, और इसको आप काफ़ी अच्छे से देखिए, इसको आप फिजिक्स में ग्राफ बनाने में काफ़ी काम आएगा, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये इंटरसेप्ट फॉर्म में आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, मैं आज आप लोग के इन दोनों की पीडीएफ आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।